हेलो, वेलकम माई चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है जो कोडल में, वो फेसबुक के लोगो को लेकर है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ फेसबुक का लोगो बनाया है। अपने अकॉर्डिंग आप चाहे जिस तरह से भी इसको रख सकते हैं, इस बारे में रेक्टेंगल में भी। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे ये बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, या जो भी, जैसे स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, तो हम स्क्वायर में ही मतलब बनाते हैं। लिया मैंने यहाँ से इसको, ऐसे लिया मैंने। ओके, देन इस पर मैंने कलर कर दिया इस तरीके से। ओके, आप से आउटलाइन को ज़ीरो करना चाहें नन कर दीजिए। ओके, F12 प्रेस कर लीजिए। ओके, F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हेडलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे कलर को भी आप ब्लू कर दीजिए इस तरीके से। ओके, ओके करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब मुझे क्या लेना है, अल्फ़ाबेट से एफ़ लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से अल्फ़ाबेट से एफ़ ले लिया। ओके, यहाँ से मैंने एफ़ ले लिया। ठीक, अब यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस तरीके से इसको ले जाऊँगा। थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप इसको जैसा रखना चाहें आप रख सकते हैं इस तरीके से। ओके, देन फिर आप यहाँ पर ले आइए इसको यहाँ पर। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग बड़ा कीजिए, जैसे भी रखना अपने अकॉर्डिंग। ओके, इस तरीके से जैसा भी रखना चाहें, थोड़ा और डाउन कर लीजिए ऐसे, इस तरीके से। अब इसको मैं कर देता हूँ वाइट। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये आया। ओके, थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर में ही आए। ओके, इसके बाद क्या करना है हमको, इस एफ़ को जैसे ये बना हुआ है वैसे ही बनाना है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ये कुछ ऐसा दिखे। ठीक, अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। ओके, कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे शेप टूल पर। अब शेप टूल को मूव कीजिए और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। याद ध्यान रखिए कि लाइन एकदम सीधी रहे। ओके, जैसा आप बनाना चाहें। ओके, इस तरीके से ऐसा। ठीक, अब आप देखेंगे, अब मैं इस पर सिलेक्शन पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से ये एफ बन जाएगा। फिर आप इसको ले आइए यहाँ पर थोड़ा सा। ओके, तो इस तरीके से अब आप चाहे इसको रेक्टेंगल में इस तरीके से बना लीजिए, और चाहे इस तरीके से बना लीजिए। ओके, तो मैं आपको दोनों बना के दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, मैं किनारे कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे रखा। और सेम यही चीज़ अगर मुझे इसमें बनानी है, तो आप इसको यहाँ से उठाइए, इसको करिए, और यहाँ से इसको चारों कॉर्नर राउंड कर लीजिए। ओके, जितना भी आपको रखना है। ओके, कुछ इस तरीके से F12 प्रेस कर लीजिए यहाँ पे। पहले इसको आप कलर कर लीजिए ब्लू। ओके, फिर F12 प्रेस कर लेते हैं हम। F12 प्रेस करने के बाद जो लाइन है इसकी यहाँ पे, ऐसे F12 प्रेस किया, यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ इसको ब्लू कर दीजिए, ताकि जो इसके लाइन है ब्लू हो जाए पूरी तरीके से। ओके, फिर सेम यही प्रोसेस। अब चाहे तो आप इस F को यहाँ से फिर से आप बना लीजिए F। ओके, तो मैंने यहाँ F टाइप किया। ओके, यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से मैं इसको ले आया, ऐसे बड़ा किया, और यहाँ से लेकर मैं इसको यहाँ पर सेट कर दिया। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा, वाइट कलर कर दूँगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर अब थोड़ा सा इसको हम डाउन कर देते हैं। ओके, ठीक है, इस तरह से डाउन किया मैंने, यहाँ से थोड़ा सेंटर पे कर दिया। सेम वही प्रोसीजर, राइट के लिए कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे हम इसको, और यहाँ से शेप टूल ले लेंगे, और इसको इस तरीके से जैसे भी आपको लगे यहाँ से सीधी लाइन बनी आपकी। ओके, फिर यहाँ से क्लिक करें इस तरीके से, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसा आप छोटा कर लीजिए, जैसा भी आपको लगे। ओके, अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से फेसबुक का लोगो हम बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।